पिहोवा शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं की मीटिंग एक निजी पैलेस में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब से राष्ट्रीय प्रमुख पवन कुमार गुप्ता ने शिरकत की। इस मीटिंग में संगठन से राजवीर कौर वर्मा, श्याम कांत पांडे व पुरुषोत्तम आदि ने भी भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रमुख पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके शिवसेना हिंदुस्तान को महाराष्ट्र के शिवसेना संगठन से जोड़ा जाता है, लेकिन उनका संगठन शिवसेना हिंदुस्तान बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना संगठन से 30 मार्च 2003 में अलग हो चुका है और अब अपने बल पर शिवसेना हिंदुस्तान 22 राज्यों में अपना वर्चस्व बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब की नीतियों व सिद्धांतों को लेकर वह आज भी उन्हें नमन करते हैं, लेकिन उस दौर में जब कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार किए गए और पंजाब में हिंदुओं को बसों से उतारकर मारा जा रहा था, तो बाला साहेब ठाकरे ने एक बार भी कश्मीर और पंजाब में हिंदुओं की सुध नहीं की, जिससे आहत होकर शिवसेना हिंदुस्तान का गठन किया गया था। आज पेवा की धार्मिक नगरी में मैं शिवसेना हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र के गठन के लिए आया हूं और आज हमने जिला कुरुक्षेत्र के जिला इकाई का गठन किया है और जिसमें हमारे पेहवा के और कुरुक्षेत्र की इकाई का घोषणा हुई है और शिवसेना हिंदुस्तान राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के हरियाणा में भी काम करेगी और सबसे पहले हम सरस्वती धाम जो यहाँ मंदिर है, घाट है, उसके सुधार के लिए भी हमारी जिला इकाई पूरी तरह काम करेगी और सबसे ज़्यादा जो देश में अहम मुद्दा चल रहा है कि हम NRC और CAA पे देश की सरकार को पूर्ण समर्थन करते हैं और जो देश विरोधी ताकतें लगातार देश में कोहराम मचाने की कोशिश कर रही हैं, देश में आग लगा रही हैं और विशेष करके जो NRC और CAA पे देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, शिवसेना हिंदुस्तान डट के उसका विरोध करती है और हम इस मामले में केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार समर्थन करते हैं। देश भर में शिवसेना हिंदुस्तान भी सड़कों पर उतर करके इस कानून के पक्ष में समर्थन करेगी, आंदोलन करेगी और जलसे जुलूस निकालेगी और इसी तरह पिहोवा क्योंकि धार्मिक नगरी है, मैं आज शुरुआत में ही सरस्वती घाट के दर्शनों के लिए गया था, वहाँ की दशा देख करके मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो साथी आज शिवसेना हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं वो लगातार उसकी दशा सुधारने के लिए सरकार से बातचीत भी करेंगे और सरकार से प्रयास करेंगे कि इस दशा को सुधारा जाए, उसके जल को स्वच्छ बनाया जाए और पवित्रता बहाल की जाए ताकि आने वाले यात्री पवित्रता का एहसास करते हुए वहाँ अपना श्रद्धा प्रकट कर सके। नेता के खिलाफ आप बयान देते हो, इसका क्या करें? हम किसी भी सरकार को समर्थन नहीं कर रहे, हमने ये कहा है कि CA, NRC, राम जन्मभूमि, धारा 370 उठाने का कदम देशभक्ति से परिपूर्ण है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए बना हुआ कानून है और इसको बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने प्रयास किए उसको हम समर्थन करते हैं और जहां भी सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अगर देश विरोधी कदम उठाएगी, नागरिकों के खिलाफ होगी तो शिवसेना हिंदुस्तान उसका विरोध करेगी। अगर भाजपा की गठबंधन साथी अकाली दल के नेता सरदार सुखबीर सिंह बादल बलवंत सिंह राजुआना की फांसी माफ कराने के लिए उसके घर जाएंगे, तुष्टिकरण की नीति अपनाएंगे, चाहे वो सुखबीर बादल हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हम उसके खिलाफ हैं और डट के उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हम उसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कानून का विरोध जामा मस्जिद के बाहर कर रहे हैं, जुमे की नमाज के बाहर मस्जिदों के बाहर कर रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो नागरिकता बिल है किसी की भी नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है और हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर धार्मिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है उनको नागरिकता देने का कानून बनाया, ये उन लोगों ने विशेष करके मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके जो इस प्रकार की कार्रवाई कराई गई, मुस्लिम समाज से हुए जुड़े लोग हैं जिन्हें समझना चाहिए कि वो देश को तोड़ने की गतिविधियों से अपने आप को अलग करें, ये नागरिकता बिल उन पे लागू नहीं होता। और ननकाना साहब में जो कल घटना हुई है उससे साफ जाहिर हो गया कि NRC और CAA कानून की क्यों आवश्यकता पड़ गई थी।